शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसकी मुंह का 5 किलो टमाटर। अब देखो मेरा कमाल। अरे ये बांध है, बांध ननु। तुम्हारी भाभी से मेरा क्या रिश्ता है? पति को खुश रखना पत्नी का पहला धर्म है। क्या हुआ? अगर क्यों हंसी जा रही है? हंसने तो और क्या करूं? तुम रोज ये अलार्म खुद को जगाने के लिए लगाते हो, मगर इसके बजने से पहले ही उठ जाते हो। ऐसे लगता है कि ये आपको जगाने के लिए नहीं बल्कि आप इसको जगाते हैं। मेरी प्यारी अर्धांगिनी जी, मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता, समझी? रवि उठ गया कि नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? मतलब इससे पहले तो तुमने कभी घर के बारे में कुछ नहीं पूछा, आज अचानक रवि के उठने के बारे में पूछ रही हो तो अजीब सा तो लगेगा ना? अरे बाबा ये बात नहीं है। तुम क्या समझती हो मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं है? है, मन में है, लेकिन चिंता को मन से जबान पर लाने का वक्त नहीं मिलता। अरे ये क्या कर रहे हो, नहाए बिना चले जा रहे हो? आज तो नहाने का भी वक्त नहीं है। क्या है कि नदी किनारे काम चल रहा है, काम शुरू करवा दूंगा और साथ में बहती नदी में डुबकी लगा दूंगा। कहते हैं कि सुबह सुबह नदी में तैरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे वाह, आपने अपने सेहत का ख्याल भी रखना शुरू कर दिया। सुनिए, रोज जब घर से बाहर जाते हैं तो मुझसे कुछ कहकर जाते हैं, आज नहीं कहेंगे। क्या कहकर जाता हूँ? अरे भाई जल्दी बताओ क्या कहकर जाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आप पिछले जन्म में घड़ी तो नहीं थी? बात बात में वक्त, हर बात में वक्त। अरे बाबा चलिए, बातें करने का सुबह सुबह मौका मिलता है, आज वो भी भूल गए। यही कहते हैं कि सुबह का नाश्ता कहाँ भेजूं, दोपहर का खाना कहाँ भेजूं। ऐसा करो, नाश्ता नदी पर भिजवा देना और साथ में बदलने के लिए कपड़े भी, और दोपहर का खाना पंचायत के दफ्तर, ठीक है? रात का खाना? रात का खाना पत्नी के साथ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अपनी भाभी के लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना रहा हूँ। हट, मैं बनाती हूँ। अरे भाभी के हाथों की चाय तो रोज पीते हैं, एक दिन देवर के हाथों की भी चाय पी के देखो। अच्छा ये बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? भाभी मैं क्या बताऊँ, आज पहली बार भैया और भाभी को इतने प्यार से हंस हंस कर बातें करते देखा। कहीं का हम लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। लो इतने जोर जोर से हंस हंस कर मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मैं भी कोई बात करने की चीज हूँ क्या? चल फुजल के बकबक मत कर, ये बता एमए के बाद क्या करना है? भाभी पहले रिजल्ट तो पहले रिजल्ट तो निकलने दो। हाँ हाँ रिजल्ट निकलने के बाद क्या इरादा है? देखो भाभी तुम और भैया जो इरादा पक्का करोगे उसी को पक्का करना ही मेरा इरादा है। ये क्या बात हुई? बिल्कुल मेरे लिए भैया और भाभी का हुक्म भगवान का हुक्म है, मेरी भाभी की आशाएं लक्ष्मी माँ का वरदान है, मेरा मुकद्दर तो तुम दोनों ने ही लिखा है, फिर मैं कौन होता हूं अपने बारे में सोचने वाला? लेकिन भाभी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना तब अपना सर घूम जाता है। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? यही कि अपने भैया सोशल वर्क समाज सुधार में लगे रहते हैं, औरों के दामन में सुख डालते डालते इतने थक जाते हैं कि जब घर वापस लौटते हैं मेरी भाभी का ही दामन खाली रह जाता है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं कौन कहता है उन्हें मेरी परवाह नहीं है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली औरत इस संसार में कोई हो सकती है क्या? जिसका लक्ष्मण जैसा देवर हो, राम जैसा पति हो, स्वर्ग के समान एक घर हो, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी दुनिया स्वर्ग से सुंदर है।
रवि, रवि, अरे रवि, आया भैया। क्या बात है भैया? आज बरसों के इंतजार के बाद तूने मेरे सपनों को सच्चाई की शक्ल दिखा दी। तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा कर दिया भैया। पास हो गया मेरे भाई, तू पास हो गया रे। जैसे जिंदगी के इम्तिहान में और पिताजी को दिए हुए वचन के इम्तिहान में मैं पास हो गया, इस खुशी के मौके पर तेरे लिए एक तोहफा लाया। कम मैन, चल। भैया, यू आर ग्रेट भैया, यू आर ग्रेट। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। चलो 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 जी, जवानों की तरह लगा। चलो क्या चाहिए? बोल। 1 किलो शक्कर। मेवालाल जी, ये कौन अकल कंधा समझ का बहरा आया? इसको शक्कर चाहिए। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग मीठी बातें करते, गरम पानी पीते और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है, मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है, मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरे शक्कर देना, वो भी मीठी। मेवालाल, इसको 1 किलो शक्कर बांध के दे, सफेद वाली मीठी वाली काले भाव में। ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल। अरे भाई, हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। अबे छप, पैर दुखने लगे? कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे? जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरामोशों को देते हैं। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूं का आटा दो और ये रहा आपका परमिट, 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चल चला, दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया। लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा। नमक खराब हो तुम लोगों, मिसाल भूल गए, जिसका नमक खाते उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल, इसकी मुंह में 5 किलो आटा मार। चलो अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करती, तू कहाँ से दाल लेने आई है? चल आ जा। सेठ जी, ये लाइन में जाने वाली नहीं है। क्यों? ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा, इतना लावारिस था कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ते नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं 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 नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। तेरे को पता चला? ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी, दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ। जा दाल लेकर आ। दाल लाए। मेरी फूल मती उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे आंखें क्या मौसमी की खाने, दिखाई नहीं देता है, गाड़ी चला रहा है, पतंग उड़ा रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टांकी में पेट्रोल की जगह मेंढक भरे क्या? वैसे रहे। मेरी टांकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते हो, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिने पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगी। ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गाँव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाना काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरी, अरे तेरे वो कीड़े पड़े इतने बड़े बड़े। अरे वो लड़की, भगवान ने 2 टांगे दी हैं, 1 टांग पर क्यों उछल रही हो? क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही हो? अरे हट, दिख नहीं रहा क्या? आंखें शहर छोड़ के आया है? अजी नहीं, शहर से आंखें भी साथ लाया हूँ और आते हुए एक नया खेल भी सीख कर आया हूँ। मेरे साथ खेल कर देखो, सारी जिंदगी खुशी के मारे उछलती रहोगी। कौन सा खेल?
मैं बगैर छुए बगैर हाथ लगाए किसी की भी पप्पी ले सकता हूँ। अरे चल चल फट। माँ कसम झूठ बोलूं तो तुम्हारा मुंह काला। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने बिना छुए पप्पी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया देना, और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया जुर्माना दूंगा। चलो लगी। अरे सोच क्या रही हो, भिखारी के खानदान से आ रही हो क्या? 10 रुपया नहीं है शर्त लगाने के लिए। अरे बड़ा आया पैसे वाला, चल लग गई। हाँ ये हुई ना बात, अब देखो मेरा कमाल। माफ करना, मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली, मैं तो 100 रुपया हार गया, आज मेरा दिन ही खराब है। मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे क्या जीत गई, उसने तो सरे बाजार तेरा चुम्मन ले लिया। 420 भरे भी मैं तुझे नहीं छोड़। अबे ओ बतख के बासी बदबूदार अंडे, जल्दी बंद कर। कर रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कल रामदास के बच्चे का नामकरण संस्कार है, मुझे काफी मिलावट करनी है, जल्दी बंद कर। करता हूँ। अरे पहलवान, मेरा मतलब भाग्यवान, जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। क्या चावल की गोनी की तरह मटकती हुई चली जा रही है? इतना अनाज मेरी दुकान में नहीं जितना इसमें भरा हुआ है। और ये क्या है? मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल? हाँ। और तिल का तेल कहाँ है? ये क्या पड़ा है? तो ये मूंगफली का तेल तिल के तेल में डाल। अरे किसमें क्या डाल रहे हो? हरामखोर, मैं समझा पुलिस आ गई। पुलिस? अरे बोल, मैं तो बाल्टी भर के गोंद हलक मुंडेल दूंगा। मगर फिर भी मिला क्या रहे हो? अबे तिल के तेल में मूंगफली का तेल मिला रहा हूँ। सत्यानाश, अगर ऐसे ही मिलावट करते रहे मिलावट राम जी, तो एक दिन आपके धंधे का राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे शुभ बोल खबीज, शुभ बोल। मुंह खुलता है तो ऐसे लगता है जैसे मोरी धोने का पाउडर निकाल रहा है। रोज हम लोग तिल के तेल में मूंगफली का तेल ही मिलाते हैं क्या? और चावल की गोनी नाम क्या तुम्हारा? बंदर लेकर वो काली मिट्टी का है। तुम्हारे बाजू में तो खड़ी है। अरे तुम्हें कौन गधा कह रहा है? दिन में 100 बार काली मिट्टी कहकर तुम ही तो मुझे बुलाते हो। वो तो मैं अपनी तकदीर को कोसता हूँ कि मैं दुनिया के खाने में मिलावट करता हूँ, ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में ये मिलावट कर दी है। क्या कहा? अरे बाबा मैं उड़द की दाल में मिलाने के लिए काली मिट्टी मांग रहा हूँ, अब क्या तुमको गोनी में गुजर दूँ? काली मिट्टी कहाँ है? अरे सेठ जी क्यों अपना दीवाला निकालने पर तुले हुए हो? उड़द की दाल में काली मिट्टी थोड़े मिलाते हैं, अब जमाना बदल गया है, अब काली मिट्टी में उड़द की दाल मिलानी चाहिए, तब जाकर फायदे की बात हुई। ये तूने आखिरी मर्तबा अकलमंदी की बात करी है। मैं गांव वाले से छुपा कर या छुप कर मिलावट कर रहा हूँ, और तू सारे गांव को सुनाने के लिए जोर जोर से गाना बजा रही है। अरे पिताजी अब बस करो बस करो, ये मिलावट कर करके जो आप पैसा जमा कर रहे हो मैं लिख कर देती हूँ, ये पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। भगवान न करे आप कभी बीमार पड़ गए तो इस पैसे से जो दवा मंगवाओगे वो दवा भी मिलावट वाली ही होगी। रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है, भगवान ने भी इंसान को शुद्ध कहाँ पैदा किया? हवा आग पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इंसान को पैदा किया। अरे जब ऊपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मना करने वाली तू कौन होती है? अच्छा अगर ऐसा है तो दुकान बंद करके मिलावट करने की क्या जरूरत है? खोलो दुकान, दिखाओ सबको कि तुम कोई चोरी नहीं कर रहे, भगवान के रास्ते पर। देखो बंदर रेखा, इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ मिले करके इस घर से रवाना करो, तब मेरे सीने के कलेजे में ये तो मेरा की सांस की उबाल आएगी। हाय 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 हाय, लड़का ढूंढने चले। भगवान क्या शक्ल बना रखी है? मंगलम, अरे शादी करने जा रहे हो कि फांसी पे चढ़ने जा रहे हो? डरने की क्या बात है? पंडित जी जल्दी से फेरे लगवाइए, वरना फेरों से पहले दोनों बेहोश हो जाएंगे। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए। चलो खड़े हो जाओ। पवित्र अग्नि के 7 फेरे लगाइए। शाबाश यानी के शाबाश बेटे, अपने बाप की मेहनतों का अच्छा बदला दे रहे हो, यानी के मेरी आशाओं का खून करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो। चाचा जी आपने अपने बेटे को उसकी पसंद की शादी से रोका तो मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ा। अरे मैं पूछता हूँ तुम कौन होते हो बीच में चमचा हिलाने वाले? ये मेरा बेटा है, मेरी जायदाद है, जब से ये अपनी माँ के पेट में था तब से आज तक मैंने इस पर पूरे 1 लाख रुपए खर्चे हैं, और मुझे यानी कि ऐसी बहू चाहिए जो अपने दहेज में 1 लाख रुपए के साथ साथ सूद भी लेकर आए, और ये गधे का बच्चा फ्री फंड का माल उठा कर ला रहा है। तो माफी मांगते हुए अर्ज करता हूँ चाचा जी, आप प्रकाश को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, ये शादी तो जरूर होगी। यानी कि धमकी? अभी बताता हूँ। अरे कुल्लू बिल्लू रंगा बिक्कू जग्गू मोदी, अरे गीले कपड़े की तरह निचोड़ डालो साले को। ज्यादा मुझे नहीं, उसे
जी। अरे तू किधर आ रही है? चाचा जी, इससे पहले के भतीजे के हाथ आप पर उठ जाए, यानी कि आपके चेहरे का नक्शा बदल जाए, आप यहाँ से फूट लीजिए। पीछे हटो रवि, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी भैया, मैं तो बदतमीज से पेश आ रहा था। जब बदतमीजी की शुरुआत इन्होंने की तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। पहले हुआ क्या ये बताओ। भैया, पन्ना लालजी का बेटा प्रकाश दुलारी से प्रेम करता है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जनाब को दहेज का लालच है। लाहौल वाला कुवत, आज के दौर में भी अपनी औलाद का सौदा करने वाले मौजूद है। दुलारी जी, क्या तूने अपनी माँ से इजाजत और आशीर्वाद लिया? जी हाँ। प्रकाश, यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे पता चलता है कि तुमने अपने पिता की मर्जी और इजाजत की कोई परवाह नहीं की। हाँ भैया, ये सच है, क्योंकि मैं अपने आप को दहेज के बाजार में गाय भैंसों की तरह नीलाम करवाने को तैयार नहीं हूँ। मैं दुलारी से बेहद प्यार करता हूँ और भैया, मैं इसे सदा के लिए अपनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस गांव का मुखिया और सरपंच होने के नाते इस विवाह को रचाने की पूरी इजाजत देता हूं। रवि जी, तुम इनके फेरे लगवाओ। सरपंच जी, यानी कि ये मत भूलिए कि मैं भी पिछले साल तक इस गांव का मुखिया रह चुका हूं और मैंने कभी एक तरफा फैसला नहीं किया था। और आप भी काल खोलकर सुन लीजिए, आपका यह फैसला बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। जल्दी से खाना लगा दो। मुझे शुद्ध दूध का पाउडर दे दीजिए ना। शुद्ध दूध का पाउडर? तुम मुझे गाली दे रही हो?
मैं क्या मिलावट करके बेचता हूँ? अरे इतना असली दूध तो गाय भी नहीं देती जितना मैं देता हूँ। मैं देता हूँ मतलब मैं बेचता हूँ। निकाल 10 रुपए। लेकिन कल तो मेरे पड़ोस 8 रुपए में ले गई थी। 20 रुपया जल्दी करो नहीं तो पीछे वाले मर जाएंगे। अच्छा अच्छा मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपए ले लो। क्या कर रहे हो? साफ कर रहा हूँ। असली दूध लेकर असली दूध ढूंढना पड़ा। हाँ जल्दी ढूंढता हूँ। तुम्हारा बेटा मेरा दूध पिएगा तो खींच के ऊंट की तरह लंबा हो जाएगा, 6 महीने पिएगा तो खड़ा खड़ा 60 साल का हो जाएगा। क्या मिल गया? मिल गया, मिल गया। ये रहा असली मिलावट। राम नाम की तरह तुम्हारे कामों में भी मिलावट बढ़ती जा रही है। ये दूध यहाँ कैसे आया? हाँ ये दूध का पाउडर तो अस्पतालों में फ्री दिया जाता है, तुम इसे बेच कैसे सकते हो और वो भी मिलावट करके? देखो देखो ये बच्चा तुम्हारे यहाँ का दूध पीकर बीमार हो गया है। ये दूध मेरी दुकान का नहीं, कहीं और से खरीदा होगा इसने। मिलावट राम इस गांव को छोड़कर किसी आसपास के गांव में कोई और दुकान नहीं है तुम्हारी दुकान के अलावा? नहीं दुकान तो नहीं है मगर मैं कभी मिलावट करता ही नहीं, खामखा इन लोगों ने मेरा नाम मिलावट राम रख दिया। मैं राम की कसम खाता हूँ मैंने कभी मिलावट किया ही नहीं आज तक। अच्छी बात है, चलो पुलिस स्टेशन। नहीं 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 मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। मेरे ससुर पहले पुलिस कांस्टेबल थे तब मैं पुलिस स्टेशन गया था, जब से वो मरे मैं कभी नहीं गया। मुझे मत ले जाओ जी, अपना गुनाह यही कबूल कर लीजिए नहीं तो ये लोग सचमुच आपको ससुराल ले जाएंगे। हाँ कभी गलती से मिलावट हो जाती है थोड़ी बहुत, बस काला बाजारी भी। मेवालाल सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और मैंने ये भी सुना है कि तुम डंडी मारकर वजन में कम तोलते हो। क्या करूं साहब, मैं तो नौकर आदमी हूं, जैसा सेठ जी कहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता है। सेठ जी कहते हैं जब कोई 2 किलो चावल मांगे तो उसको 1 किलो दो, मैं तो गरीबों का दोस्त हूँ मैं उनको 1.5 किलो देता हूँ और सेठ जी को पता भी नहीं चलता है। अच्छा हरामखोर, जब भी मैं बोलूँ मेरा अनाज इतना कम क्यों हो रहा है, ये गल्ला क्यों आ रहा है? हरामखोर कमीने धोखेबाज, बंद करो ये नाटक मिलावट राम। तुम्हें बार बार चेतावनी देने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ठीक है अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा फैसला पंचायत करेगी। चलिए हमें बहुत जल्दी इस गांव में एक शाकाहारी दुकान खोलनी चाहिए जिसके जरिए हम कालाबाजारी और मिलावट को खत्म कर सकें। लेकिन विजय बाबू सहकारी भंडार खुलने से पंचायत को क्या फायदा? लेकिन इस गांव को फायदा है रामलखन जी, लोगों को मिलावट का सामान नहीं मिलेगा। उसके अलावा दुकानदार अपने फायदे के लिए अलग अलग भाव से अपना सामान बेचते हैं, हमारा सहकारी भंडार एक ही भाव से सामान बेचेगा, सामान अच्छा मिलेगा, बिना मिलावट के मिलेगा और असली मिलेगा। विजय बेटे इतना तफसील से समझाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा जो भी कदम उठता है गांव की भलाई के लिए उठता है। रहीम चाचा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप सिर्फ हुक्म कीजिए इस काम को पूरा करना हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज से हमारा नारा है सहकारी काम बढ़ाओ और कालाबाजारी को हटाओ। अरे मैं उनकी जिंदगी को ताला लगा डालूंगा, गोली मार मार के ऐसे भूल डालूंगा जैसे लोग पापड़ भूल डालते हैं। हाँ यानी कि सच बोल रहे ना जी जी? सच तो बोल रहा हूँ, मैं क्या एक चक्कर है, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, गांधी जी के रास्ते पे चलता हूँ, वरना गांव के गांव को ऐसे पीस डालता जैसे लोग गेहूँ पीस डालते हैं। यार तुम कोई चक्कर चलाओ ना, तुम तो हिंसा के पुजारी हो, नंबरी लुचे लफंगे बदमाश। नहीं नहीं मतलब मारामारी करना तुम्हारा धंधा है और फिर मेरे ज्यादा उन लोगों ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया था। अरे जीजा जी, यानी कि वो अग्नि जिसके चारों तरफ उन्होंने 7 फेरे लगाए थे मेरे दिल के अंदर यानी कि ज्वाला की तरह भड़क रही है। तो फिर जल्दी करो ना, इससे पहले कि वो ज्वाला ठंडी हो जाए मैं उस पर घासलेट छिड़कने को तैयार हूँ, असली बिना मिलावट का, वो भी मुफ्त। घासलेट से काम नहीं चलेगा जीजा जी, माल निकालिए यानी कि माल, आप पैसे मेरे हवाले कीजिए मैं उन्हें दुकान खोलने से रोक लूंगा। Thank you.
कलंक को। शाबाश बहादुर, उठो। हाँ ये बात हुई ना। पकड़ो, अबे मुर्गा बनो, तुम जाओ आगे बढ़ो आवाज करते हुए। हाँ यार शुभ समाचार का लगा कर सुनो, कल शनिवार सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर के सामने वाली कोठी में नए सामान सस्ता अनाज शौकारी भंडार खुल रहा है। हर खास आम को आने की दावत है। हाँ जरूर जरूर, इस नेक काम में कौन नहीं आएगा। क्या कहा बे हराम के ढक्कन, कल से काला बाजारी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला। अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा की खसम का। जाना जाना जाना। एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा, ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा। अरे कबाब बने या जिल्लाब बने, मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही। अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी। हैं? तू यहाँ चिल्लाकर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है? अरे मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ। चुप ढोल की, तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा बे? क्यों नहीं बजाऊंगा? अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा। अबे दो पैसे के ढोलक पीटू, तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है, इतना कमीना समझा है, इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है? मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ। अरे थोड़े दिन ठहर जा, एक बार मेरे सेठ को मरने दे, फिर देख मजा। ये ढोल क्या, शहर से बैंड मंगवाऊंगा, अरे सारे गांव को नचवाऊंगा, ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ, सेठ जी कैसी रही। बासी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े, एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा है, ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है। गिरगुट की औलाद बिना पिंडे के लोटे, चल अंदर अभी लेता हूँ तेरी खबर। और तू क्या रे, तू मेरे लिए ढोल बजाएगा? ढोल बजाएगा साले, ढोल बजाएगा। भाई और बहनों, हमारे गांव में सहकारी भंडार खोलने के बहुत से कारण हैं, और खास कारण तो ये है कि कुछ लोगों की दुकानों में होने वाली बेईमानी, कालाबाजारी और मिलावट को खत्म करना है। ठहरिए जी, आपने इल्जाम तो थोप दिया कि कुछ लोगों की दुकान में कालाबाजारी और मिलावट होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सहकारी भंडार में कालाबाजारी और मिलावट नहीं होती है? इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ तो मिलावट उनके वहां होती है जिनकी नीयत में मिलावट हो, जिनके ईमान में मिलावट हो, जिनके नाम में मिलावट का शब्द होता है, यानी कि तुम मिलावट राम, तुम्हारे वहां मिलावट होती है। ये तो सीधा आपके मुंह पे कीचड़ उछाल कर आपका मुंह काला कर रहा है। किसने देखा हमारी दुकान में मिलावट होते हुए? मैंने देखा है। किसने देखा है दुकान करते हुए? नहीं, मतलब मिलावट करते हुए। अरे देखने की क्या जरूरत है, अंधे से भी पूछो कि मिलावट कहाँ होती है, वो सीधा मिलावट राम की दुकान पहुंचा देगा। हे राम, हे राम। सारा गांव सारा देश जानता है कि मिलावट का गढ़ मिलावट राम की दुकान है। देखो, देखो तुम बहुत बढ़ चढ़ के और सरहद तोड़ के बातें कर रहे हो। अरे सरहद तोड़ के क्या, मेरा बस चले ना, तुम्हारी खड़ी हुई सैंडी काट के तुम्हें काला पानी भेज दो। काट दो,
तुम्हारे भाई ने मेरा धंधा काट के मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया, तो मेरी सैनी काट के मुझे गांव से बाहर निकाल दो। तुम्हारे बाप का नाच है ना? अबे ओ मिलावट के भरे रवि, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? ये काहे का बड़ा भैया, ये सिर्फ बेईमानी में बड़ा है। मुझे फजूल की बकवास नहीं चाहिए, जाओ ऐसे। मैं कहता हूँ तुम जाओ ऐसे। साला तेरा बाप साला। मिलावट राम जी, मैं रवि की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दिया आपकी तरफ से किया ना भाइयों। अब मैं लक्ष्मी बेटी से गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले ग्राहक को अपने हाथों से माल दें। आप मेहरबानी करके कतार में खड़े हो जाइए। अच्छा, हमारा धंधा चौपट करके हमारी छाती पर मूंग डल रहे हैं। अब देखना मैं इनका कलेजा कैसे छलनी करती हूँ। क्या चाहिए बहन? दीदी मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए जी। हाय 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 हाय, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अरे जिस दुकान का उद्घाटन इस मनोज औरत के हाथ से हुआ है वो दुकान कभी नहीं चल सकती। अरे ये बांझ है, बांझ मनोज है। अरे दुकान का उद्घाटन इस बांझ के हाथ से किया। ठीक हो लक्ष्मी। लक्ष्मी ये क्या, एक बेवकूफ जाहिल औरत की बातों पर इतना अफसोस कर रही हो, आंसू बहा रही हो? अरे तुम तो पढ़ी लिखी औरत हो, इस तरह लोगों के तानों पर दिल छोटा करोगी तो जिंदगी सुकड़कर छोटी हो जाएगी। अरे बाबा, यहाँ तो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले भगवान को लोग भला बुरा कहते हैं, उसे गालियां देते हैं, ऐसी बातों पर क्या ध्यान देना। चलो आंसू पहुंचो और मुस्कुराओ। अबे सो के कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? देखो लुका पट्टा, एक तो टांग पटांग डाला ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गांव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? वहां लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, कितनी भीड़ है। अपनी दुकान में तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहाँ पर जमा हुए। ओह क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही। और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़ी आ चुक गई खेत। अबे नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे ऐसा गाना गाया जाता है? का मालिक, धंधा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है और मालिक पने की धौर से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठ उठ उठ, आइए स्वागतम, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप। दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है। हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूं सस्ता, गुड़ और मुफ्त में। ये भी रखो, पैसे बाद में। कोई जरूरत नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में। कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा। ये आया मांगा, जलाया फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चट्टा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धौंस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो अरे बैठो मालिक, बैठो, नाराज हो गए क्या? लो, लो। आ लक्ष्मी बहन, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। माफ करना बहन, घर में काम ज्यादा था इसलिए जरा देर हो गई। अच्छा अच्छा, तो गांव की सारी मूर्ख औरतें इनका इंतजार कर रही थी। देखो माँ, इसे कहते हैं बड़े घर की बहू, बच्चे को तोहफा देने के लिए सोने की चेन लेकर आई है, और एक तुम हो कि खाली हाथ हिलाती चली आई। कौन खाली हाथ हिलाते चलाया, ये देख क्या लाई है। अरे रे रे, इतना भयानक खिलौना देखकर मुझे डर लग रहा है, बच्चे का न जाने क्या हाल होगा। तू चुप कर राधा,
तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का हाथ देखा जाता है। ये तोहफा बच्चे के लिए शुभ है क्योंकि मैं अपने शुभ हाथों से दे रही हूँ। मैं बच्चा जन्म चुकी हूँ, माँ हूँ। लेकिन कोई बांझ औरत अगर बच्चे को तोहफे में सोना चांदी हीरा मोती दे दे तो वो बच्चे के लिए अशुभ होता है। माँ, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें क्यों करती हूँ? जिस औरत को शादी के 5 साल बाद भी बच्चा ना हुआ हो उसे बांझ नहीं तो और क्या कहते हैं? माँ भगवान के लिए चुप हो जा, ऐसी गंदी बातें मत करो। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी बांझ बांझ। क्या तुम मुझे डरा रहे थे? धोखेबाज मगर क्या ललिता? हे भगवान, ललिता और वो हरामजादा, सुनते हो जी? अरे हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आप सिर्फ बहरे नहीं गूंगे भी हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं, यानी कि बिल्कुल नकम्मे हैं आप। कमाश, मैं मार खाए आदमी से गालियां नहीं सुन सकता। अरे गालियां क्या, अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी। उन सब भक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली, आपकी दुकान बंद करवा दी। अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के जनाजा निकल जाए। कितना यानी के जनाजा निकल जाए? तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं। तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा, और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चकरा के गिर जाएगा। मेवालाल आया बापू, आया आया आया। तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है, क्या खुशखबरी लाया है, इसी बात पे 100 रुपया इनाम। आप और इनाम? या तो आप पागल हो गए या फिर ये वो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, या फिर ये पैसे नकली है। असली है। सुन, अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा। नहीं। और 2.5 रुपए इनाम में भी दूंगा। 2.5 रुपए? जा ऐश कर। भाभी, भाभी क्या बात है रवि? भाभी वो बात ये है कि क्या है बोलो ना। भाभी वो क्या है कि मैं कुछ बोलोगे या बकरे की तरह मैं करते जाओगे? कुछ खास बात है क्या? हाँ भाभी, खास बात तो है, वो क्या कि मैं एक लड़की से ना वो करता हूँ प्रेम। ये कोई नई बात थोड़ी है जी। हाँ, ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में लड़के या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं। अच्छा बताओ वो लड़की कौन है? अपने गांव की लड़की है, मिलावट राम जी की बेटी। ओ, उनकी बेटी? क्यों, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे साधे जबान में कहूँ, उस घर से हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। भूल जाओ उस लड़के को और जाकर अपना काम करो। भाभी मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं तो ये सोचकर आया था आप अगर भैया से कहेंगी तो भैया कभी इनकार नहीं करेंगे, और इसी विश्वास पर मुझ पर विश्वास है ना? हाँ भाभी। इसी तरह जब मुझे भी विश्वास होता है कि जो बात तुम्हारे भैया सुनकर इनकार नहीं करेंगे, मैं उनसे वही बात कहती हूँ। और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये बात मैं जाकर उनसे कह दूँ तो सबसे पहले वो मेरी खबर लेंगे, बाद में तुम्हारी। भाभी। हाँ रवि, और तुम जाकर उस लड़के से कहो ये नामुमकिन है, और मैं जानती हूँ वो लड़की अच्छी है, लेकिन उसका खानदान कैसा है क्या है मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। अरे मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। हंसू नहीं तो और क्या करूँ। श्रीमान जी, अभी तो सिर्फ तुम्हारे भाभी ने शादी से इनकार कर दी है। तो इतनी सी बात पर घबरा गए? अरे आगे आगे देखो होता है क्या, अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा, वो कहेंगे रवि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर मेरे बापू सुनेंगे वो एटम बम की तरह फट जाएंगे, बोलेंगे बंदर लेखा तूने किस पाप के घड़े को जन्म दिया,
फिर गांव में बात फैलेगी, घर घर में कानाफूसी होगी, पंचायत बैठेगी, बहुत हंगामा होगा, तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी। इतना सब कुछ फट जाने के बाद भी हमारी शादी होगी? माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या? तुम्हें लड़की होना चाहिए था, लड़का बना दिया। होगी होगी जरूर होगी। सेठ जी को। अरे क्या करता है? अरे बंदर हो गया क्या? अरे इतनी हिम्मत, मेरी पपी ले रहा है? मार ढाई रुपए। अरे क्या कर रहा है? देखा कैसे मेरी इज्जत को सूखे धनिये की तरह कुचल कुचल कर बदनाम कर रहा है? अरे बाबा चिल्लाओ मत। अरे क्या चिल्लाओ मत, ये हराम का कद्दू मेरी बेटी को बाप की तिजोरी समझ के चिमटा हुआ है और तुम कहते हो चिल्लाओ मत? मेरा खून सोने की तरह उबल रहा है और आप कहते हो चिल्लाओ मत? मैं चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। अरे ओ चांडाल, अगर ये लोग तुझे कुछ नहीं कहते तो ना सही, मगर मैं अपनी बेटी का तो खून कर सकता हूँ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों को तो खिला सकता हूँ। मुझे ले जाइए ऐसी बेटी। क्या कर रहे हो, पागल हो गए? पागल हो गया हूँ क्योंकि बदनाम हो गया हूँ, मेरी इज्जत पुराने मकान की तरह नीलाम हो गई है। कहाँ गई वो? अच्छा उसको तो तुमने बचा लिया, मगर मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जान ले डालूंगा। जीजा जी आपका तो ठीक है, यानी कि मेरा मतलब है मेरी बहन का क्या होगा जो विधवा हो जाएगी। अच्छा तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर जो बदनामी का गोबर पूत गया है, मेरी बेटी ने जो पोत दिया है उसको कौन साफ करेगा? मिलावट राम, चीखना चिल्लाना बेहूदापन है, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारी दुकान पे, गांव की पंचायत में। वाह वाह वाह, अच्छा पता बताया इंसाफ के लिए। अरे भाई जिसका भाई खुद पंचायत का सरपंच हो वो क्या इंसाफ करेगा, यानी कि वो तो इनका पत्ता साफ करेगा। आप लोगों ने अभी विजय को पहचाना नहीं है, इंसाफ करते वक्त तो हर संबंध हर रिश्ते को भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। ये किसका है? आपका है। अब चलिए हमारे साथ, हम इंसाफ दिलवाएंगे। देखा आपने, इस एक सरकारी भंडार के खुलने से गाँव का कितना भला हो गया, हर घर सुखी हो गया, महंगाई खत्म हो गई, मिलावट खत्म हो गई, और साथ में मिलावट राम भी खत्म हो गया, उसकी इज्जत में बदनामी की झाड़ू फिर गई। यहाँ सरकारी भंडार खोल दिया, वहाँ मेरी बदनामी का भंडार खोल गया। क्या हुआ, क्या बात है? अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे नहीं बोला जा रहा, मेरे को चक्कर आ रही है, इन लोगों से पूछिए। अरे बोला ना, चुप क्या करो। बात यह है चौधरी जी, इनकी बेटी और अपने गांव का एक लड़का एक दूसरे को चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है बात करने का, इनकी बेटी और गांव का एक लड़का एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अबे सासु क्यों नहीं बताता, इनकी बेटी को उस लड़के ने बहला फुसला कर क्या क्या कर डाला है? अब तो इनकी बेटी को कोई अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देगा, यानी कि बहू बनाना तो दूर की बात है। मुझे पहले ये बताइए कि वो लड़का कौन है जिसका इस मामले से संबंध है? अरे नाम सुनोगे तो कलेजा फट के यानी के कुचले हुए कांच की तरह बिखर कर रह जाएगा। हाँ मैं कहता हूँ नाम बताओ। जी वो आपका छोटा भाई है चौधरी साहब। मेरा भाई? क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, सबने देखा है। रहीम चाचा इस कुर्सी पर बैठिए। मैं आइए बेटे, आइए ना, आइए आइए बेटा। ये मामला मेरे भाई से संबंध रखता है, इसलिए मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छे, जब मेरे बेटे की बारी थी उस वक्त कुर्सी पर जमकर बैठे थे, अब अपने भाई की बारी है तो कुर्सी छोड़कर चले, यानी कि सबको पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े धर्म अधिकारी हो। मैं इस कुर्सी पर बैठकर जो भी फैसला सुनाऊंगा वो लालाजी को मंजूर नहीं होगा। अरे तुम बैठ कर फैसला करो तो सही। अब मैं उसको कुर्सी से उतारने के चक्कर में तो कुर्सी में बिठाया चला जा रहा है। जाइए आप, कुर्सी छोड़ दीजिए। रवि, रवि कहाँ है वो बदतमीज? आज मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जानती हो उसे क्या किया है? क्या? वो मिलावट राम की बेटी से प्रेम करता है। वो मुझे मालूम है। मालूम है तो फिर तुम चुप क्यों नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए जितना आप मुझे डांट रही है इससे ज्यादा मैंने उसे डांटा है।
फिर भी उसने तुम्हारा कहना नहीं माना, इतना बदतमीज और नाफरमान हो गया। उसने कोई नाफरमानी नहीं की, ना ही वो बदतमीज है, बल्कि मेरे ही कहने पर ललिता से ये कहने गया था कि ललिता उसे भूल जाए, ये शादी नहीं हो सकती। बस इतने में सारे गांव के लोग जमा हो गए और तमाशा बन गया। और अब ये मामला पंचायत के सामने पहुँच गया है। मैंने कुर्सी छोड़ दी और फैसला रहीम चाचा के हाथ सौंप कर चला आया हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसका फैसला आपको ही करना चाहिए। फर्ज करो, अगर आप उस लड़के के पिता होते तो क्या करते? इतनी बड़ी बदनामी के बाद उस लड़के को कौन ब्याहेगा? उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। इसमें कसूर न लड़की का है न लड़के का, ये तो उनकी उम्र का कसूर है। लेकिन प्रेम करना कोई पाप तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है। अब इन दोनों की गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि दोनों की शादी कर दी जाए। और मैं चाहूंगी इस शादी का ऐलान आप खुद करें, रवि के बड़ा भाई होने की हैसियत से नहीं। इससे पहले कि पंचायत के लोग अपना फैसला सुनाएं, मैं चाहूंगी मेरे पति खुद जाकर अपना फैसला सुना दें। मुझे बेटे पंचायत ने अपना फैसला कर दिया है। मुझे पंचायत का फैसला मंजूर है, मैं इस शादी के लिए इजाजत देता हूँ। सुभान अल्लाह बेटे, जब तक तुम जैसे लोग इस सरजमी पर रहेंगे, इज्जत और इंसाफ का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आखिर बेटे तुमने क्या इंसाफ किया? जी यानी कि अभी तो आधा इंसाफ हुआ है, पूरा इंसाफ तो जीजा जी के घर जाकर होगा। पहले वो लेन देन की बातें, कुछ शर्तें वगैरह तो तय हो जाए। क्यों जी? अगर कुछ शर्तें हैं, कुछ लेने देने की बातें हैं, तो क्यों ना यहीं पर तय हो जाए। आइए अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, मेरे साले जी बिल्कुल सही चक्कर चला रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा अकल की बात कही है। इस प्रेम के नाटक की वजह से मेरी इज्जत चोरी के माल की तरह नीलाम हो गई थी। उस खोई हुई इज्जत को दोबारा पाने के लिए अब लड़के वालों को चक्कर चलाना पड़ेगा। मेरे घर आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात के पतीले में नमक पड़ेगा। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए आपके घर तो क्या बीच सड़क पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि सारा गांव जानता है कि विजय और रवि सगे भाई नहीं सौतेले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों में बराबर बराबर जायदाद का बंटवारा हो जाए। खबरदार मिलावट राम, कभी भूल कर हम दोनों भाइयों के बीच सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया तो। हम दोनों भाई हैं सिर्फ भाई, हमारा रिश्ता सगे और सौतेले की बंदिशों से बहुत दूर है। तुमने हमें घर बुलाकर गाली दी, हमारा घर एक मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है, बंटवारा नहीं। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, अगर इस शादी के लिए बंटवारा शर्त है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। भैया क्या कह रहे हैं आप, ये नामुमकिन है। हमारे शरीर से आत्माएं अलग हो सकती है, हमसे हमारी परछाई जुदा हो सकती है, मगर हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भैया देखो रवि, दिल और आत्मा वो जायदाद है जो हमें हमारे पिता ने दी है, उसका बंटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते। लेकिन तुमने इस परिवार की लड़की को पसंद किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखो, उनकी खुशी का ध्यान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। विजय बेटा तुम सचमुच महान हो, ऐसे लगता है तुम्हारे मुंह से गीता के श्लोक सुन रहा हूँ। तुमने जो इंसाफ किया वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत नहीं कर सकती। रवि जीजा जी यानी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें सरपंच जी का फैसला और अपने बड़े भाई की बात यानी कि मान लेनी चाहिए। अगर ये सरपंच का फैसला है तो मैं इस फैसले को नहीं मानता और शादी से इनकार करता हूँ। ये अपना अकेले का फैसला सुनाकर कहाँ जा रहे हो, मेरा फैसला भी सुनते जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों ने प्रेम एक साथ किया, शादी का फैसला भी एक साथ किया। अगर हम दोनों ये फैसले एक साथ कर सकते हैं तो ये फैसला भी हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों का फैसला सुनिए, अगर ये बंटवारा हुआ तो हम दोनों इस शादी से इनकार करते हैं। कौन कहता है कि शैतान के घर फरिश्ता पैदा नहीं होता, मिसाल हमारे सामने है। खैर भाइयों, जब लड़का लड़की बगैर किसी बंटवारे के बगैर किसी शर्त के शादी करना चाहते हैं तो मैं पंचायत की तरफ से शादी के लिए इजाजत देता हूँ। क्यों भाइयों? लेकिन नहीं भाई, यानी कि ये फैसला तो हमारे खिलाफ हुआ ना। क्यों जीजा जी? कौन जीजा जी? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जो आदमी पंचायत के फैसले को नहीं मानता मैं उसको नहीं पहचानता। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला, पंचायत के फैसले में परमेश्वर होता है और मैं परमेश्वर के फैसले को कबूल करता हूँ।
ये शादी होगी, अवश्य होगी। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलम तनोहरि। ओम सूर्यो देवता नमः स्वाहा, ओम चंद्रो देवता नमः स्वाहा, ओम बुधो देवता नमः स्वाहा। ओम येन येतम भूतम भुवतम भविष्यतम गृहीताम येन यज्ञस्य तायते सप्तहोताय। चोरी के चक्कर में तुम्हारे बाप को इतने चक्कर पड़े थे कि बेचारा चकरा के वहीं मर गया, और तुम्हों के शर्म नहीं आ रही तुमको? ये मिठाई में क्या चक्कर चला रही हो? अरे आजकल अपनी दुकान बंद है ना, ये सारी चीजें असली घी की बनी हुई है, ये सारी घर ले जाऊंगी और चखूंगी और बाद में बताऊंगी कि कौन सी मिठाई का क्या दाम है। अरे कुछ विचार कर बेशर्मी के आचार, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? 135। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? अरे मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, उसके कान में दो अकलमंदी के शब्द टपका दूं कि नहीं? तो जो कुछ टपकाना जल्दी से टपका ले, अगर कोई और आके टपक गया तो ऐसे फटकेगा कि फट जाएगी गोनी की तरह। अरे ललिता ललिता, माँ हटो यहाँ से। देख बेटी अब हम जा रहे हैं, तेरा ब्याह कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तेरा पति तेरा परमेश्वर। हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? क्या कहा आपने? इसका पति इसका परमेश्वर? अगर ये अपने पति को परमेश्वर मानने वाली भी होती तो आपके मुंह से सुनकर कभी नहीं मानती। वो देखिए आपके परमेश्वर बड़े कोने में, क्या हालत बना दी आपने। हाँ बेटी बैठ, मैं जो नसीहत करने जा रही हूँ वो ध्यान से सुन, किसी बात पर समझौता मत करना। वो तेरी ढोंगन सती सावित्री जेठानी अगर कहे क्यों तो कहना क्यों रे, अगर वो कहे यहाँ आओ तो तू कहना क्यों आऊं, तेरे पैरों में कांटे चुभे हैं क्या? बात बात पर झगड़ते रहना, हर बात का उल्टा जवाब देना, तुम दोनों के झगड़े से तंग आकर विजय अलग घर बसा लेगा। अच्छा ये बता, जब अलग घर बस जाएगा तो घर कैसे चलाएगी? कैसे चलाऊ माँ? अरे यही तो समझाने आई हूँ, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे। कैसे माँ? एक तरकीब बताती हूँ, ध्यान से सुन। मैं तुझे एक टोकरी में लकड़ियाँ भर के भेजूंगी, तू उस टोकरी में चांदी की कटोरियाँ भर के भेज देना। मैं तुझे एक बर्तन में दाल भेजूंगी, तू उसी बर्तन में सोने की अंगूठी डालकर भेज देना। बस माँ बस, तुमने जितनी बातें मुझे समझाई है, अगर हर माँ अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय समझा दिया करे और बेटी उन पर अमल करे तो मेरा ख्याल है ये संसार कब का नर्क बन चुका होता। तुम वो बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं, तुम्हारी परछाई पड़ जाए तो गीली लकड़ी में आग लग जाए। एक और बात कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। पिताजी यहाँ आइए, आज के बाद यही मेरा घर है, इस घर के सुख दुख सभी मेरे, इस घर का दुश्मन मेरा दुश्मन, समझ गए? आज के बाद हो सके तो मुझे भूल जाने की कोशिश करना, और फिर भी मुझसे मिलने का दिल करे तो किसी से कहलवा भेजना, मैं खुद चली आऊंगी, आप लोगों में से यहाँ कोई नहीं आएगा, सुन लिया? अब उठाओ इन मिठाइयों को और चलते बनो। बेटी ने क्या कस कस के जूते मारे हैं, शकल जूते जैसी हो गई है, अब कलेजे में ठंडक पड़ गई या कोई और चक्कर चलाना बाकी है? देखो जी मेरा दिमाग खराब है, मेरे मुंह न लगना। सेठ जी बुरा न मानिएगा, ये आप ही की बेटी है या क्या बंदर लेखा, ये सचमुच मेरी बेटी है या कोई चक्कर? कबूतर ये आंखें बंद किए किसके सपने देख रहा था? अरे फूलमती, अरे तारामती, अरे चंद्रमती, अरे मेरे जीवन के अंधेरे की बत्ती, मैं तेरे ही सपने देख रहा था, तेरे ही। झूठे कहीं के, बरसात का मौसम आया भी और चला भी गया और मेरा सारा बदन आम की तरह जलता रहा। और क्या करूं, मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथों, आज मेरा कंजूस सेठ दुकान पर नहीं है। हाँ? जरा अपनी थैली तो दिखा। है? तेरी थैली खाली? मेवा लाल की माशुका की थैली खाली? देखो ना। अरे कोई बात नहीं अभी भर देता हूँ, तू मांगती जा, मैं फ्री फंड में माल डालता ही रहूंगा। दो ना। लपक के ऊपर आ जा और इधर उधर देखती रह, कोई आ नहीं जा, लपक ले लपक ले लपक ले, ले कंजूस का माल, ले कंजूस का माल ले जाओ। अरे ये बेटी अपनी माँ को देना, बिस्कुट दो ना बिस्कुट। अरे बिस्कुट भी ले जा, बिस्कुट भी ले जा, धले 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 तू बिस्कुट भी ले जा, माचिस भी ले जा, माचिस भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, कुछ भी कुछ भी ले जा, कुछ भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, ये भी ले जा। आए आए मेरी मोहब्बत की फूलमती,
ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया? ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए? याद करो, पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था, क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है? और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही? क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है? मैं जब से पैदा हुआ तब से नहाया नहीं हूँ। हराम को मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था। आज मैं तुझे चूहे मारने का पाउडर खिला के रहूंगा। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या बात है? मैं जब से इस घर में आई हूँ क्या मैंने आपके दिल को कोई ठेस पहुँचाई है? नहीं तो। लेकिन तुम इस तरह का सवाल क्यों पूछ रही हो? इसीलिए कि आप सुबह 4 बजे से लेकर रात देर तक अकेले ही सारा काम करती रहती हैं। क्या इसमें आधा हक मेरा नहीं है? अरे आधा क्या, इस घर पर तो तेरा पूरा हक है। फिर आप मुझे जरा सा भी काम क्यों नहीं करने देती? सारा काम आप खुद ही कर लेती हैं। ललिता, तुम्हें कोई ना काम करने देने की एक ही वजह है कि मुझे अपनी शादी के बरसों बाद भी जो नहीं मिल पाया, कम से कम तुम्हें तो मिल जाए। आपको क्या नहीं मिला दीदी? अपना पति, उसका वक्त, उनके पास बैठकर चंद घड़ी प्यार की बातें करने की मोहलत। लेकिन उन्हें अपने घर से ज्यादा गांव वालों की चिंता रहती है। अपनी पत्नी को खुश रखने के बजाय गांव वालों को खुश रखते हैं। अपना ज्यादातर वक्त समाज सेवा में लगाते हैं। उनकी सेवा में इतने डूबते हैं कि मैं सिर्फ किनारे से खड़ी उनके दर्शन ही कर पाती हूँ। ये मत समझना कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा तकदीर वाली औरत कौन होगी जिसको ऐसा देवता समान पति मिला हो? ललिता, हम संसारी लोग हैं, इंसान हैं। देवताओं का जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ तुम इंसान रहो, हमेशा अपने पति के करीब रहो, उसको इतना प्यार दो कि उसके लिए तुमसे एक पल भी जुदा रहना मुश्किल हो जाए। मैं तुम्हें इसीलिए काम नहीं करने देती। नहीं नहीं, आप तो खामखा मुझे सर पर चढ़ाई चली जा रही हैं। अगर भाई साहब को पता चल गया कि ये लड़की सुबह शाम अपने पति के चारों तरफ भंवरे की तरह मंडलाती रहती है तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें मेरे खिलाफ कोई गलतफहमी ना हो इसलिए आपको आधा काम मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा बाबा, आधा क्यों? आज से सारा काम तुम ही देख लो बस। ये लो चाबी। अरे नहीं नहीं, इन चाबियों का मैं क्या करूंगी? जिम्मेदारी लेनी है तो पूरी लेनी पड़ेगी। अब तुम जानो, तुम्हारा घर जाने, अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। अरे दीदी, क्या करते हो? दिल दहला दिया और तुमने मेरे कलेजे का पानी बना दिया। ओहो, कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। देखो जल्दी से मुंह मीठा करो नहीं तो मैं गोंद की तरह चिपक जाऊंगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ कर दूंगी। हाँ, धमकी दे रही हो? तुम करो, उससे पहले देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या है? नारियल की चटनी। मैंने तुमसे पप्पी मांगी और तुमने मेरे चेहरे पर नारियल की चटनी लगा दी। अरे तुम ना जगह देखते हो ना मौका देखते हो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे क्यों नहीं शुरू हो जाऊं? भगा थोड़ी ब्याह करके लाया हूँ, मेरी तो सब कुछ खराब हो गई, मेरा मतलब जिंदगी। अरे कहाँ जा रही हो? जल रहा है। अरे मेरे अंदर जो जल रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अरे रे रे, इतना गुस्सा? धीरज रखो महाराज, धीरज रखो। कुएं के पानी को तूफान बहाकर नहीं ले जा सकता। मामले की गहराई को समझो, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और। सुनिए, इंतजार वो भी शादी के बाद। एक बात पूछती हूँ, तुम्हारी भाभी से मेरा क्या रिश्ता है? बहन का। क्या हम दोनों सगी बहनें हैं? नहीं। मतलब हम दोनों अलग अलग घर में पैदा होने के बावजूद एक घर में एक साथ सगी बहनों की तरह रहें, तभी तो ये घर घर रहेगा। और चूंकि मैं नई नई इस घर में आई हूँ इसलिए अपने बर्ताव से भाई और दीदी पर ये साबित करना चाहती हूँ कि भले ही मैंने एक अलग घराने में जन्म लिया है लेकिन मेरी आत्मा इसी घर में है और मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ। और जब तक मैं भैया और दीदी पर अपना ये विश्वास जमाने में कामयाब नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं आपके सामने पत्नी के रूप में नहीं आऊंगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा। ललिता। हाँ? इधर आओ। तुम अपनी दीदी की छोटी बहन जरूर हो लेकिन बरसों से औलाद के लिए तरस रही नजरों में तुम हमारी औलाद की तरह हो।
औलाद की कमी हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो तुमने पूरी कर दी। तुम वो देवी हो जो अनेक रूप लेकर हमारे घर में आई है, जो बेटी भी है, बहू भी है, बहन भी। खुश रहो, खुश रहो। क्यों ललिता, तुमने मेरा कहना नहीं माना? क्या बात करती हो दीदी, मैं और आपका कहना ना मानू? अरे वो तुझ पर इतनी जान छिड़कता है, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे रहता है, और तुम हो कि उसे दूर दूर रहती हो। जाओ उसके पास जाओ और कुछ देर उसके साथ गुजारो। पति को खुश रखना पत्नी का पहला धर्म है। जाओ दीदी। क्या हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाएं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर अभी इंतजाम करवाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, अभी इंतजाम कर देते हैं। तो यह है, अरे सुनो ए रवि इधर आ। जी भैया। ये क्या? ओ भैया मैं नारियल खा रहा था तो मुंह पे फिसल गया। नारियल फिसल गया? हाँ जी। सब मालूम है, क्या बोलोगे ना जी? अरे सुन तू एक काम क्यों नहीं करता, अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन में क्यों नहीं चला जाता? ऊटी मसूरी कोडेकनाल जहाँ तेरा जी चाहे। जी अबे उल्लू जाएगा कैसे? हाँ मैं जाऊंगा कैसे। हाँ ये ले 10,000 रुपए जायश कर। ललिता फटाफट ऊटी जाने के लिए तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए मिल गए। ऊटी? हाँ सिर्फ हम दोनों। हाँ, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों। मैं दीदी के बिना नहीं जाऊंगी। ओ लो हो गई छुट्टी, ये बात तुम अपनी दीदी से कहोगी तो दीदी कहेंगी मैं भैया के बिना नहीं जाऊंगी। बस क्लास यही तो मैं चाहती हूँ, वो दोनों हमारे साथ ऊटी चले। वो दोनों? वो दोनों वहाँ जाकर हम उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगे, इसी इरादे से तो मैंने दीदी से बात की थी। दोनों एक कमरे में ऊटी में किस लिए? ओफो। अरे बाबा बताओ ना किस लिए? ओह क्या मुसीबत है, एमए खुद पास किया था या किसी और को बिठाया था? तुम समझते क्यों नहीं? नहीं समझ में आ गई बात। तो जाके बोलो। अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है। अच्छा तुम्हें शर्म आती है और मैं बेशर्म हूँ, जाओ बोलो। अरे नहीं तुम कहो। नहीं तुम बोलो। नहीं तुम कहो। तुम ओ क्या तुम तो क्या हुआ भाई? वो भैया क्या हुआ, मैं मुंह धोने गया था ना वहां से फिसल के इधर आ गया, फिसले वहां और गिरे यहाँ। भैया वो क्या है, ललिता कह रही थी कि भाभी नहीं जाएंगी तो वो भी नहीं जाएगी। क्यों बेटी? डर लगता है। तू चुप बैठ, जब तेरा पति तेरे साथ जा रहा है तो डरने की क्या बात है? अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है तो तुम अपनी दीदी को साथ ले जाओ। जी भाई साहब आप समझते क्यों नहीं, अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और अगर आप नहीं जाएंगे तो दीदी भी नहीं जाएंगी, जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे वरना यहीं रहेंगे। लो अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत कैसी? आप ही ने कहा था कि 10 दिनों तक आपको कोई काम नहीं है। कहा था कि काम नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छुट्टियां मनाने उठी। आप बूटी को देखो और मुझे देखो। क्यों आप इतने बूढ़े हो गए क्या? नहीं इतना बूढ़ा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं भैया, आप शहर जाके तो देखिए, लड़कियां सिटी मार मार कर आपका चलना फिरना बंद कर देंगी। क्या बोला बे? क्या है भैया, नाश्ते में केला खाया था ना तो जबान फिसल गई। मेरे हाथ से झापड़ फिसल गया तो तू जानता तू फिसल कर कहाँ जाएगा? उटी। मेरी बात सुनिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ बच्चों के स्कूल की नींव रखनी थी, खैर बाद में रख लेंगे, जाने की तैयारी करो। अपना काम बन गया।